हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप इस तरह अपने रैंक को काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इन वाले ट्रिक्स का यूज करके अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक आप जरूर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, हमारा पहला वाला ट्रिक है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, और इस ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको प्लांटेशन के पास वाली जगह पर आ जाना है, और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको यहाँ सामने की तरफ यहाँ पे एक घर दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इस घर के पीछे यहाँ पर डब्बे दिखेंगे, तो डब्बों के पीछे आपको यहाँ पे ग्रेनेड को कुछ इस तरीके से यहाँ पे थ्रो करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे थ्रो करूंगा। और जैसे मैं ग्रेनेड को थ्रो करके यहाँ पे खड़े हो गए डब्बों पे, फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे ग्रेनेड के बिल्कुल वैसे ही थ्रो करना है जैसे मैं यहाँ पे थ्रो करूंगा, और जैसे मैं थ्रो करके यहाँ डब्बे के ऊपर खड़े हो जाओगे फिर आपको काफी खतरनाक सीन देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आपने देखो, इस ट्रिक का यूज करके मेरे को यहाँ पे ग्रेनेड से एक भी डैमेज नहीं हुआ है, और इस ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। बस आपको यहाँ ग्रेनेड के बिल्कुल वैसे ही थ्रो करना होगा जैसे मैंने यहाँ पे थ्रो करा था, और आपके वाली ट्रिक काफी समय से यहाँ पे काम कर जाएगी। सो गाइस, आपके वाली ट्रिक कैसे लगी, अगर आपके वाली ट्रिक पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, हमारे नेक्स्ट वाला ट्रिक है, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ किसी भी एल शेप वाले हाउस में चले जाना है, और जैसे आप किसी भी एल शेप वाले हाउस में चले जाओगे फिर आप मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ सीढ़ी से ऊपर की तरफ चले जाना है, और जैसे मैं ऊपर की तरफ चले जाओगे फिर आपको सीढ़ी पे जाकर लेट जाना है, और जैसे आप लेट हो गए फिर आपको काफी खतरनाक सीन देखने को मिलेगा। तो गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लेटने के बाद अपने जॉयस्टिक को धीरे धीरे करके आगे तरफ करना है, और जैसे आप करोगे तो आपका कैरेक्टर का सर है नीचे की तरफ चले जाएगा, और गाइस जैसे आपके फ्रेंड कैरेक्टर को यहाँ पे देखेगा वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आपके अंदर की तरफ कैसे चले गए। और गाइस, जैसे आप अंदर की तरफ आ जाओगे फिर आप अपने फायर वाले बटन पे यहाँ पे मूव करना, तो आपका कैरेक्टर यहाँ पे गोल गोल भी घूमने लगेगा, और जैसे आपका फ्रेंड कैरेक्टर को यहाँ पे देखेगा वो भी यहाँ पे सोचेगा कि आप भी कैसे कर रहे हो। और इस वाले ट्रिक को आप किसी भी एल्ट्रिक वाले हाउस में आराम से पे कर सकते हो, बस आपको सीढ़ी पे लेट के आराम से अपनी जॉयस्टिक आगे करना है, और जैसे आप करोगे तो आपका कैरेक्टर सर भी नीचे की तरफ चले जाएगा, और इस वाले ट्रिक को आप आसानी से कर पाओगे। तो गाइस, आपके वाले ट्रिक भी कैसी लगी, अगर आपके वाले ट्रिक भी पसंद आई तो कमेंट करके आप जोर से बताना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, हमारे नेक्स्ट वाला ट्रिक है, ये एक तरह से हाइडिंग प्लेस होने वाली है, और इस वाले ट्रिक का यूज करके आप अपनी रैंक को काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लैम्बो की जरूरत पड़ेगी, तो लैम्बो को लेने के बाद फिर आपको कैप टाउन के पास वाली जगह पर चले जाना है, और जैसे आप वहाँ पर चले जाओगे फिर आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे एक ब्रिज दिखेगा, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी को नीचे तरफ ले जाना है, और जैसे आप नीचे तरफ ले जाओगे फिर आपको अपनी गाड़ी को यहाँ ब्रिज के नीचे तरफ लगा लेना है, और जैसे आप अपनी गाड़ी को नीचे ब्रिज के सेट कर लोगे फिर आप आगे जाके मेरे को यहाँ फॉलो करना। तो गाइस, बस आपको अपनी गाड़ी को कुछ इस तरीके से सेट करना होगा जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और जैसे आपकी गाड़ी यहाँ पे सेट हो जाएगी फिर आप अपने गेट ऑफ वाले बटन पर जैसे यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप यहाँ अंदर की तरफ चले जाओगे। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ टोटली हाइड हो जाओगे, और साथ ही साथ आप यहाँ कैम करके अपनी रैंक को काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो। और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, यारी जो जगह है बाहर से टोटली यहाँ पे कवर्ड है, तो यहाँ पे आपके बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई भी एनिमी स्पॉट कर पाए। और गाइस, इस वाली जगह की यहाँ पर एक और खास बात है, अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो आप यहाँ से अपने एनिम को भी काफी यहाँ पे किल कर पाओगे। तो अगर आपको अपने एनिम को यहाँ से किल करना है तो आपका थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाना है, और जैसे आप बाहर की तरफ आओगे तो आपकी गन भी बाहर की तरफ आ जाएगी, जिसका आप यूज करके अपने एनिम को यहाँ काफी जल्दी किल कर पाओगे, और आप यहाँ एलिमिनेट भी नहीं होगे। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यहाँ अंदर की तरफ आ गए तो आप यहाँ बाहर की तरफ नहीं जा पाओगे, तो अगर आपको यहाँ से बाहर की तरफ जाना है तो आप अपनी जॉयस्टिक को दीवार की तरफ मूव करना, तो आप यहाँ आराम से बाहर की तरफ भी चले जाओगे। तो गाइस, आपके वाली ट्रिक कैसी लगी, अगर आपके वाली ट्रिक भी पसंद आई तो कमेंट करके आप जोर से बताना। तो चलते अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस ट्रिक का यूज करके आप अपनी रैंक को काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एल्पाइन मैप में आ जाना है, एल्पाइन मैप में आने के बाद आपको यहाँ पे मैकलेन वाली कार की जरूरत पड़ेगी। तो इस वाली गाड़ी को लेने के बाद फिर आपको सामने तरफ यहाँ पे ब्रिज दिख रहा होगा, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी को ब्रिज के बिल्कुल साइड में वैसे सेट करना है जैसे मैं यहाँ पे सेट करूंगा, और जैसे मैं गाड़ी को सेट कर लोगे फिर आगे जाके आप मेरे को यहाँ पे फॉलो करना। तो गाइस, अब आपको मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना होगा क्योंकि वाला जो स्टेप है सोलेटर का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल ब्रिज से यहाँ पे चुपका के लगा देना है, और जैसे यहाँ पे लगा दोगे फिर आपको अपने गेट ऑफ वाले बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद आपको अपने एंटर वाले बटन पर प्रेस करना है, और उसके बाद आपको यहाँ दोबारा से अपने गेट ऑफ वाले बटन पर प्रेस कर देना है, और जैसे आप करोगे तो आप जमीन के नीचे तरफ आ जाओगे। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको बस अपने बैठने वाले बटन पर यहाँ पे प्रेस करना है, और जैसे आप अपने बैठने वाले बटन पर प्रेस करोगे तो आप सीधा मैप के नीचे की तरफ आ जाओगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें मैप के नीचे की तरफ आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो आपका कैरेक्टर यहाँ पे तैयार रहा है, तो आप अपने सर्वबोर्ड को यहाँ पे खोल के आराम से यहाँ पे घूम सकते हो और सारा सारा मैप यहाँ पे देख सकते हो, और काफी अमेजिंग लगता है। इस सारी चीज को आप अपने फ्रेंड को दिखा के उसे भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, तो आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो और वो भी यहाँ पे सोचेगा कि आप मैप के नीचे कैसे चले गए। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद बस आपको यहाँ पे एक बात करना है, आपको अपने एनिमी को यहाँ से किल नहीं करना है, नहीं तो उसे यहाँ पे फेल टाइम में जाएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ सीधा एलिमिनेट हो जाओगे। तो यहाँ पर आके आप यहाँ कैंप कर सकते हो और अपनी रैंक को काफी यहाँ पे पुश कर सकते हो। और गाइस सब आप यहाँ पे सोचोगे कि अगर आप यहाँ नीचे की तरफ आ गए तो आप यहाँ बाहर की तरफ कैसे आओगे, तो अगर आपको यहाँ से बाहर की तरफ जाना होगा तो आप यहाँ किसी पानी वाली साइड के किनारे पे चले आना, और जैसे आप किनारे पे जाओगे तो आप यहाँ आराम से बाहर की तरफ भी निकल लाओगे। और बाकी आप अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो और वो भी यहाँ पे सोचेगा कि आप नीचे की तरफ कैसे चलेगा, और या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ यहाँ नीचे की तरफ आ सकते हो और वो भी अपनी रैंक को यहाँ पे काफी यहाँ पे पुश कर पाएगा। सो गाइस जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया सारी ट्रिक्स आपको कैसे लगी, अगर आपको सारी ट्रिक्स यहाँ पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।